वेलकम टू ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल को क्वेश्चन नंबर 14। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। क्या दे रखा है? ए बी और सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ, इफ ए ओ बी 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन। चलिए जी, हमें क्या ये दो आर्क दे रखी है, ये दो आर्क दे रखी है, तो एक का ये नेम ए बी है, एक ये सी डी है। तो ये क्या है, ये एक शेडेड पोर्शन का एरिया है, ये हमें एरिया निकालना है। और कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये इस तरीके से दो एक ही सेंटर से ये मिलकर बनी है। तो दूसरा क्या, यहां से लेकर यहां तक की पूरी जो रेडियस है वो 21 है, यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो 7 है। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का हमें निकालना, तो पहले इसका जो कंटेंट है वो राइट कर लेंगे। देखिए इसमें दो रेडियस है तो ये सेक्टर ही, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, एरिया ऑफ बिग सेक्टर में से एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर सेपरेट कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकल के आ जाएगा। अब बात ये आती है कि शेडेड पार्ट का जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसको निकालने के लिए जो बेसिक नीड होगी वो क्या क्या होगी हमारी। देखिएगा, रेडियस तो चाहिए ही होगा, तो कैपिटल आर यानी रेडियस जो है हमारा 21 सेंटीमीटर, स्मॉल आर यानी छोटा वाला जो सेक्टर है, देखिए ये पूरा यहां से लेकर ये पूरा बिग सेक्टर हो गया ये, और यहां से लेकर ये जो है ये इतना, ये स्मॉल सेक्टर का काम करेगा। तो स्मॉल सेक्टर के लिए स्मॉल वाली रेडियस काम करेगी। अच्छा, अगर मैं थीटा की बात करता हूं तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर लाइक दिस। तो एरिया बिग सेक्टर का लिए देखिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यहां पे भी देखिएगा थीटा अपॉन 360 इनटू पाई और स्मॉल आर स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ थीटा वी विल यूज 30 डिग्री, क्या करेंगे 30 डिग्री का यूज कर लेंगे 360। अब देखिएगा दूसरा क्या है, यहाँ पे पाई और देखिएगा पाई और थीटा अपॉन 360 ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो पाई के प्लेस पे 22/7 राइट कर लेंगे आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर। ये देखिएगा मैं यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप ये कम हो गया, यहाँ पे राइट कर देता हूँ थीटा अपॉन, देखिए यहाँ पे और ये चीज दोनों सेम है तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया। दूसरा पाई और पाई, तो यहाँ पे देखिए पाई आ गया और अपॉन में ब्रैकेट में ये राइट कर लेंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन चीजों को राइट कर लेंगे। देखिएगा हमने क्या किया, यहाँ पे ये वैल्यू तो हमने लगा दी, उसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो थीटा अपॉन 360 ये हो जाएगा 22/7 हो गया। अब देखिएगा एक बार क्या हो जाएगा, हम प्लस में राइट कर लेंगे और एक बार क्या होगा, हम माइनस में राइट कर लेंगे। अच्छा जी, अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 हो गया, उसके बाद 2 1 जा 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ बचा नहीं है, 11 ऊपर रह गया, तो 11 ये आ जाएगा 11 upon 4 6 जा 72 हो गया इनटू, अब देखिएगा कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 21, तो यहाँ पे 21 + 7 स्मॉल आर है, यहाँ पे 21 - 7। अब देखिएगा 11 upon 42, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28 और ये कितना हो जाएगा 14। अब देखिए 14 बन जा 14 3 जा 42 3 बन जा। अच्छा जी, ये तो हमारा जो है कैंसिल आउट नहीं होगा,
तो हम क्या करेंगे, 11 और 28 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपॉन में ये हमारा 3 ही रहेगा, फाइनली ये आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, तो 11 8 जा 88 हुआ, 11 2 जा 22 और 8 30 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा, दूसरा यदि हम इसको डेसिमल में राइट करेंगे तो 102.66 आ जाएगा, 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा डिवाइड करके, यहां मैं शो कर देता हूं, तो हमारा हो जाएगा 3 वन जा 3, 0 से 0 हमारा आ गया, ये हो जाएगा 8 और 3 टू जा 6 हो जाएगा, 2 आ गया, डेसिमल लिया 0 इंक्रीज किया, 3 6 जा 18, फिर से 2 आ जाएगा, डेसिमल इंक्रीज कर सकते, डेसिमल लगा हो तो 0 बढ़ा सकते हैं, 3 6 जा 18। देखिएगा ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी तो 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए डियर, आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।